नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच खेला जा रहा है। इस मैच में टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का प्रदर्शन पहली पारी के दौरान काफी निराशाजनक रहा। पहले टेस्ट में 9 विकेट चटकाने वाले बुमराह ने लॉर्ड्स टेस्ट में पहली पारी के दौरान एक भी विकेट नहीं निकाला। यहां तक कि उन्होंने 26 ओवर के अपने स्पेल में 13 नो बॉल भी फेंकी, जिसे हर कोई हैरान है। अब इस मुद्दे पर टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज जहीर खान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जहीर खान ने बताया है कि आखिर बुमराह ने इतने नो बॉल क्यों फेंके। जहीर खान ने कहा कि बुमराह या तो अपने रनअप मिस कर रहे थे या फिर जल्द से जल्द विकेट चटकाना चाह रहे थे, तभी उनसे इस तरह की बड़ी गलती हो रही थी। जहीर खान ने क्रिकबस पर बातचीत के दौरान जसप्रीत बुमराह के नो बॉल को लेकर प्रतिक्रिया दी। पूर्व भारतीय दिग्गज तेज गेंदबाज जहीर खान ने कहा, इस बारे में ज्यादा कुछ विश्लेषण नहीं किया जा सकता है क्योंकि खराब रनअप की वजह से ही ऐसा होता है। जहां से आप दौड़ना शुरू करते हैं वहां पर कोई गलती हो सकती है। दूसरी बात यह कि बुमराह को विकेट नहीं मिल रही थी और वो विकेट लेने के लिए काफी उतावले हो रहे थे। जब गेंदबाज ऐसा करता है तो फिर वो ज्यादा कोशिश करने लगता है और तेज गति से डालना चाहता है, ऐसे में उससे नो बॉल हो जाता है। अब देखना यह होगा कि जेम्स एंडरसन इसका जवाब बुमराह को कैसे देते हैं। आपको बता दें कि लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड की पहली पारी 391 रनों पर सिमट गई। इंग्लैंड को भारत पर 27 रनों की बढ़त मिली। जो रूट ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 180 रन बनाए। अब भारत के सामने दूसरी पारी में बड़ा स्कोर बनाने की चुनौती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।